छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जीवन में आज भी खड़े हैं तालाब। न केवल ये जल का प्रमुख स्रोत है बल्कि तालाब ही हैं जो जल स्रोत के अलावा दैनिक दिनचर्या में अन्य जगह जहां पानी का इस्तेमाल होता है उस पर पूरा जनजीवन आधारित है। आज छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अंचल में क्षेत्रों में तालाब की क्या स्थिति है, आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या है, तालाब का पानी गंदा हो गया? पूरा काई हो गया। अच्छा, निस्तारी तालाब है। हाँ, निस्तारी तालाब ऐसे काम करता है। तो इससे गांव वाले इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे पानी का? प्रसंग से कोई इस्तेमाल हो रहा है, बाकी भाई ये समस्या गांव वाला निभाना है, बाकी समस्या ये जनता के लिए जन युग में लायक नहीं है पानी। देखिए, तालाबों के संरक्षण के लिए हमें स्वयं ग्रामवासियों को यह बीड़ा उठाना पड़ेगा कि तालाबों के आसपास हम लोग स्वच्छता बनाए रखें। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि घर में शौचालय बनने के बाद, क्योंकि सरकार की कई योजनाओं के तहत शौचालयों का भी निर्माण हो चुका है, परंतु आज यह देखा जाता है कि तालाबों के किनारे भी लोग शौचालय करते हैं, मवेशियों को नहलाते हैं, जिसके चलते प्रदूषण भी बढ़ रहा है, पानी का प्रदूषण भी बढ़ रहा है और कई प्रकार के संक्रमण भी हमें घेर रहे हैं। तो तालाबों को स्वच्छ रखा जाए और तालाबों के गहरीकरण के लिए भी किसी प्रकार की जो भी योजनाएं हैं वो लागू होनी चाहिए। ग्राम बेंद्री की बात है, 9/1/2010 में कि वहाँ पे हम लोग चाहते थे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हम लोग सक्रिय भागीदारी करें। तो उसके लिए हम लोग समूह बनाकर गांव की समस्या को देखते हुए हम लोग तालाब गहरीकरण करवाने के लिए पूरी कोशिश की और हम भागीदारी करीब 35 महिला लोगों की थी और उसमें हम सब पहले आवेदन लिखे, आवेदन लेकर हम लोग पंचायत स्तर पर गए। तो पंचायत स्तर में हम लोग देखे कि वहाँ पे ना तो सरपंच उपस्थित थे ना ही पंचगण थे और मात्र अकेला सचिव ही बैठा हुआ। सचिव से बात करने के बाद सचिव से हम सीओ का नंबर लिए, रोजगार गारंटी अधिकारी का, तुरंत ही सीओ साहब से बात किए कि सर हमारे गांव में तालाब को सूखा कर दिया गया है और उसमें कीचड़ है और कीचड़ में और पानी डलवाना चाहते हैं सरपंच और गांव के सचिव। तो हम लोग ये नहीं चाहते और उसको हम लोग सफाई करवाना चाहते। तो फिर सीओ साहब भी आए, इंजीनियर भी आए और सभी आए और गांव के सभी नागरिक इकट्ठा हुए, तालाब का निरीक्षण किए, नाला का भी निरीक्षण किए। ऐसे में निहायत ज़रूरी है कि ग्राम पंचायत, गांव के वो वासी जो इस जल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस प्रमुख जल स्रोत को जो हमारे दैनिक जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको शुद्ध बना करके रखें। ग्राम सैलूत, विकासखंड पाटन, जिला दुर्ग से मैं सरबत नकवी, इंडिया अनहर्ड के लिए।